सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, सुरक्षा घेरा तोड़कर पास तक पहुंचा शख्स, हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम मोदी का कांग्रेस परिवार, बोले कांग्रेस अध्यक्ष के घर में भाजपा ने मेयर का चुनाव जीत लिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर किया हमला, बोली अडानी का शेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है। ओवैसी का केंद्र पर हमला, का अमृतपाल पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जा रहा जबकि इतने हथियार बरामद हुए हैं। मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, आयोग सांसद घोषित करने वाली अधिसूचना वापस लेने की मांग। एक एकनाथ शिंदे का कांग्रेस नेता परिवार, बोले राहुल गांधी ने वीर सावरकर और पूरे ओबीसी समाज का किया अपमान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान, जम्मू कश्मीर में अगले साल तक वंदे भारत ट्रेनें होंगी। गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हितेश पांड्या ने दिया इस्तीफा, बेटे पर फर्जी पीएमओ की टीम का हिस्सा होने का आरोप। एलजी मनोज सिन्हा के बयान पर तुषार गांधी का जवाब, कहा बापू की आत्मकथा पढ़े उपराज्यपाल, उनकी स्वयं की जानकारी बढ़ेगी। संजय राउत का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को भेजा जाएगा, महाराष्ट्र विधानमंडल को चोर मंडल बताया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले बीजेपी एक आवाज को चुप कराने की कोशिश कर रही है। इसरो ने लॉन्च किया ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट, इनका वजन 5,805 किलो। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, जापान समेत 6 देशों की कंपनियां। प्रगति मैदान में खालिस्तानी झंडा लगाने की धमकी, ऑडियो मैसेज में अमृतपाल का जिक्र, लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने पत्रकार से बदसलूकी की। बारह राज्यों में अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी, दिल्ली एनसीआर में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से टेम्परेचर गिरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले प्रयागराज कुंभ से पहले पूरा कराएंगे गंगा एक्सप्रेसवे का काम। यूपी में भाजपा की नई टीम का ऐलान, सरकार में मौजूद 4 मंत्री संगठन से अलग, डॉक्टर त्र्यंबकम त्रिपाठी को प्रदेश संगठन में बनाया गया उपाध्यक्ष। में 63,000 से ज्यादा अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन, 2,819 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। भाजपा प्रदेश की टीम में कानपुर के 5 नाम, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष बने प्रकाश पाल, संगठन में बढ़ा कानपुर का कद।
सांसद शफीकुर्रहमान ने सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाए, बोले पूरा हिंदुस्तान जानता है कि योगी ने क्या काम किया है। सीएम योगी पर सपा प्रमुख अखिलेश का हमला, सरकार हर मोर्चे पर फेल, सीएम पर खुद कई मुकदमे जारी, हो टॉप टेन माफियाओं की सूची। वन विभाग ने सारस के दोस्त आरिफ को भेजा नोटिस, बयान दर्ज करने के लिए कार्यालय बुलाया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हरदोई में बोले, यूपी में सपा की नहीं तालिबानियों की चलती थी सरकार। योगी 2.0 के पहले वर्ष में गोरखपुर को मिली 12,000 करोड़ की सौगात, नागरिक सुविधाओं का हो रहा है विकास। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी कांग्रेस पर किया वार, कहा कानून कांग्रेस की सरकार में ही बनाया गया था। मुरादाबाद में तरावी की नमाज को लेकर हंगामा, भजन दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा घर में सामूहिक नमाज पढ़कर डाली नई परंपरा। ललितपुर में ट्रक ने बाइक को रौंदा, हादसे में 3 युवकों की मौत, बाइक सवार को 2 किलोमीटर तक घसीटा। रेप की फर्जी एफआईआर कराने वाले गैंग की तलाश, सीबीआई लखनऊ ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया मुकदमा, प्रयागराज में चल रहा है गैंग। प्रेमी संग बेटा बेटी की हत्या करने वाली मां को जेल, मेरठ में गंगनहर में दिन भर चला बेटी की लाश की तलाश, बेटे के शव को दफनाया। कानपुर जू पहुंचा आरिफ का दोस्त, तारस 15 दिन क्वारंटीन रहेगा, डॉक्टर बोले काफी परेशान है, वन विभाग ने आरिफ को भेजा नोटिस। छात्रा को अश्लील वीडियो भेजने वाला सिपाही सस्पेंड, इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर कर रहा था परेशान, जेल जाने के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई। ग्रामीण ने लगाए मकान बिका हुए पोस्टर, अलीगढ़ में दो पक्षों में हुआ था विवाद, जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर में ओवरलोड, बैजिक व कार में भिड़ंत, हादसे में 10 लोग घायल, पीलीभीत बस्ती मार्ग पर हुआ हादसा। देवरिया में सोशल मीडिया पर प्यार फिर गर्भपात, प्रेमिका का आरोप, कहा प्रेमी ने 6 साल तक किया शारीरिक शोषण। बिजनौर में एक किसान की बुग्गी के नीचे दबकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम, जानवरों के लिए चारा लेने गया था किसान। मेरठ में ईंट से कुचलकर चाचा की हत्या, कहा सुनी के बाद चाचा ने फोन फेंका, गुस्साए युवक ने कई बार ईंट से मारा। इटावा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक गिरफ्तार, 2 तमंचे, 5 कारतूस समेत मंगलसूत्र बरामद हुआ है। एसएसपी ने पूर्वा थाना में विवेचकों के साथ की बैठक, लंबित विवेचनाओं को लेकर एसएसपी ने किया अर्दलीय रूम निस्तारण के निर्देश। बरेली सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, बारिश की वजह से मार्ग पर बाइक फिसली, तभी पीछे से आ रहे वाहन ने कुचला। मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद, योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर गिनाए विकास कार्य और उपलब्धियां।
इटावा में महिला सशक्तिकरण रैली का हुआ भव्य स्वागत, पुलिसकर्मियों ने पुष्प वर्षा कर पहनाया माला, गौतम बुद्ध नगर में होगा रैली का समापन। आजमगढ़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। तमंचे पर डिस्को करने वाला युवक पहुंचा हवालात, मुरादाबाद में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ था वायरल। मुरादाबाद में पूर्व ब्लॉक प्रमुख गिरफ्तार, ग्रामीण के अपहरण के मामले में पुलिस ने ललित कौशिक को किया गिरफ्तार। बीएचयू ने दो छात्रों को किया विश्वविद्यालय से बाहर, कुलपति की कार पर चढ़कर हंगामा और प्रोफेसर से छेड़खानी करने का हुआ एक्शन। चिपको आंदोलनकारियों को सीएम थामी ने किया नमन, कहा वृक्षों को अपने जीवन से अधिक महत्व है। चारधाम यात्रा के लिए 50 हेल्थ एटीएम का होगा शुभारंभ, सीएम धामी ने किया हेल्थ एटीएम का शुभारंभ। उत्तराखंड में कांग्रेस सहित कई दलों को लगा झटका, कई ओबीसी नेता हुए भाजपा में शामिल। उत्तराखंड में एकजुट हुआ विपक्ष, पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के विरुद्ध करेंगे जन जागरण, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक। हरीश रावत के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक, बोले एक पूंजीपति को बचाने के लिए निशाने पर विपक्ष। भारत चीन 1962 के रण के योद्धा महावीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह के साथी नायक बलवंत सिंह का निधन। आसमान से गिरी आफत, उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज, उत्तरकाशी में आकाशीय बिजली गिरने से 350 बकरियां मरी। जोशीमठ में 868 घरों में दरारें, 181 अनसेफ, चारधाम यात्रा की वजह से बेघरों को होटलों ने अल्टीमेटम दिया है। उत्तराखंड में आयुर्वेद बीवी में 300 करोड़ का घोटाला, विजिलेंस जांच में भर्ती के साथ वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने की योजना, फाइलों में कैद योजना पर मुहर, लेकिन नहीं बन पाई नियमावली। उत्तराखंड के हेलंग बाईपास का निर्माण रुकने से बीआरओ को 10 करोड़ का नुकसान, आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट का इंतजार। उत्तराखंड में दरोगा से मकान बेचने का सौदा कर हड़प लिए 1.11 लाख रुपए, न्यायालय ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश। उत्तराखंड में कोरोना व ST N2 के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने जताई चिंता, 10 व 11 अप्रैल को देशव्यापी दहों का मॉक ड्रिल का निर्णय। जमरानी बांध परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल, मुख्यमंत्री धामी ने जताए पीएम मोदी का आभार। अमृतपाल सिंह उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की आशंका पर हाई अलर्ट पर पुलिस गिरफ्तार, 5 युवकों के लिंक खंगाल रही है पुलिस। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस, पुतिन बोले अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन कई देशों में मौजूद, अब हम भी यही कर रहे हैं।
भारी बारिश के बाद बाढ़ ने अफगानिस्तान में मचाई तबाही, 3 की मौत और 7 घायल हुए। IFSB का UN के बाहर प्रदर्शन, बांग्लादेश में 1971 में पाक सेना के नरसंहार को मान्यता देने की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप की जांच कर रहे प्रोसिक्यूटर को मिली जान से मारने की धमकी, कहा एल्विन आई एम गोइंग टू किल यू। अफ्रीका महाद्वीप के ट्यूनेशिया में भूमध्य सागर को पार कर इटली जा रही बोट डूबी, 19 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत। अमेरिका में टोर्नेडो से 26 लोगों की मौत, गोल्फ बॉल जीतने बड़े ओले, पड़े आज रात फिर तूफान आने की आशंका है। अमेरिका में मालगाड़ी में दम घुटने से 2 की मौत, दर्जनों घायलों को फ्लाइट से अस्पताल ले जाया गया, पुलिस को मानव तस्करी की आशंका। पाकिस्तान में शनिंदा के दोषी को मौत की सजा, कोर्ट ने 12 लाख का जुर्माना भी लगाया, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था। पुतिन की स्पीच लिखने वाला मोस्ट वांटेड घोषित, यूक्रेन जंग के खिलाफ बोलने पर रूस ने लिया एक्शन, विदेशी एजेंट बताया गया। सीरिया में भिड़े अमेरिका और ईरान कॉन्ट्रैक्टर की मौत के बदले यूएस ने एयर स्ट्राइक पे मारे 11 ईरानी सैनिक, बाइडेन बोले हम पीछे नहीं हटेंगे। एक अप्रैल से ब्लू टिक हटाएगा, वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू करेगा ट्विटर, गोल्डन टिक के लिए कंपनियों को हर महीने 82,000 रुपए देने होंगे। फायरबोल्ट की लीगे से एडिशनल 4 स्मार्ट वॉच लॉन्च, हार्ट रेट के साथ शेयर मार्केट का हाल भी बताएगी वॉच, फुल चार्ज पर 2 दिन चलेगी। रिलायंस ने मैनेजमेंट के लिए बड़े बदलाव, वी श्रीकांत को नया CFO बनाया, आलोक अग्रवाल होंगे मुकेश अंबानी के सीनियर एडवाइजर। मार्च को लॉन्च होगा रेडमी 12, से 10,000 रुपए से कम हो सकती है कीमत। अकासा एयर ने किया हायरिंग का ऐलान, 1,000 एम्प्लॉयज को हायर करेगी एयरलाइन, जल्दी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू होगी। बजाज पल्सर 220F का अपडेटेड वर्जन भारत में लॉन्च, सिंगल पैनल के साथ EBC के साथ मिलेगा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। रिलायंस कैपिटल के दूसरे दौर की नीलामी में टोरेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा शामिल, हिंदुजा एकमात्र बोलीदाता। वित्त मंत्री ने लिया सरकारी बैंकों की सेहत का जायजा, वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों को बैंकिंग संकट से बचने के लिए जरूरी हिदायतें भी दी। तेज होगा भारत में आईफोन का निर्माण, फॉक्सकॉन के बाद वेंट्राग्रॉन कंपनी भी लगा रही नई फैक्ट्री। जर्मनी तक पहुंचा बैंकिंग संकट, डॉयच बैंक की भी आर्थिक हालत खराब, 8% तक शेयरों में दर्ज की गई गिरावट। IPL शुरू होने से पहले पंजाब किंग्स को बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो चोटिल, ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू शॉट लेंगे जगह। गावस्कर ने की धोनी की जमकर तारीफ, मुझे लगता है कि जब चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी की और ट्रॉफी जीती तो ये शानदार चीज थी।
रोहित शर्मा और सूर्या की जोड़ी मुंबई को दिला सकती है छठा आईपीएल खिताब। ग्रीन और ऑर्चर भी मचा सकते हैं धमाल। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान नाजर का बेतुका बयान, कहा पाकिस्तान में हार के डर से नहीं खेलना चाहता है भारत। विराट कोहली ने दाएं हाथ पर बनवाया नया टैटू, आरसीबी कैंप पहुंचे फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। दिल्ली के हर खिलाड़ी की जर्सी पर पंत का नंबर, कोच रिकी पोटिंग बोले ऋषभ की जगह को नहीं भरा जा सकता है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 198 रन से हराया, श्रीलंका के 8 खिलाड़ी नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा, शिपले ने झटके 5 विकेट। वर्ल्ड बॉक्सिंग में नीतू और स्वीटी ने जीता गोल्ड, रोमांचक मुकाबले में 4-3 से स्वीटी जी पूरा निखत लवलीना के मुकाबले कर। ২০২২ में हुए 13 क्रिकेट मैचों पर फिक्सिंग का संदेह, इनमें से एक भी भारत में नहीं खेला गया, फुटबॉल के सबसे ज्यादा 775 मैच। फुटबॉल इंटरनेशनल ब्रेक, रोनाल्डो मेसी ने नेशनल टीम से दागे गोल, हैरी केन ने तोड़ा रूनी का रिकॉर्ड। नवाजुद्दीन ने भाई और पत्नी पर किया मानहानि का केस, बोले आलिया पहले से शादीशुदा थी, धोखे से भाई ने प्रॉपर्टी अपने नाम की। डांस ग्रुप क्विक स्टाइल के साथ नजर आए सुनील शेट्टी, अलग अंदाज में किया फिल्म हंटर का प्रमोशन। एक्टर मिजान जाफरी ने जाहिर की नाराजगी, बोले मेरे दोस्त शराब ड्रग्स पर पैसे बहा देंगे, आग में झुलसे लोगों की मदद नहीं कर सकते। हिना खान ने पूरी की उमराह यात्रा, ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब, बोली मैं कोई संत नहीं हूं, ऊपर जाकर सबको अपने कर्मों का जवाब देना है। रायपुर में फैंस पर भड़के अरिजीत सिंह, कॉन्सर्ट शो में बोले सिर पर मत आओ, फिर कहा भैया थैंक यू। कियारा आडवाणी पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लुटाया प्यार, डेडिकेट किया अपना अवार्ड, एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो। सालों बाद झलका स्मृति ईरानी का दर्द, प्रोड्यूसर को दिखाने पड़े थे मिसकैरेज के सबूत, एकता से बोली अगर भ्रूण बचा होता तो वो भी लाती। बाथरूम में मृत पाए गए एक्ट्रेस नीलू कोहली के पति रोज की तरह गुरुद्वारा से लौटे थे, कोई बीमारी नहीं थी, घर पर सिर्फ हेल्पर मौजूद था। स्मृति ईरानी को आई सुशांत सिंह राजपूत की याद, बोली मौत की खबर सुनकर बहुत रोई थी, उसे मुझे एक बार बात करनी चाहिए थी। सुकेश ने जेल से जैकलीन को लिखा लव लेटर, बोला बर्थडे पर तुम्हें मिस कर रहा हूं, मुझे अपना दिल देने के लिए शुक्रिया। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।